अंतर्गत येणाऱ्या रणाळा ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या शहीद नगर येथील नागरिक ग्रामपंचायत कडून मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधापासून वंचित आहेत येथील रहिवासी अनेक वर्षापासून राहत असून येथील सांडपाण्याच्या नाल्या व रस्ते या मूलभूत सुविधा नाहीत अनेकदा रणाळा ग्रामपंचायतला तक्रार करून सुद्धा येथील ग्रामपंचायतीतर्फे दुर्लक्ष करण्याचा आरोप येथील रहिवासींनी आहे तर नागरिकांना रस्त्यावर वाहत असलेल्या सांडपाण्यामुळे त्रास सहन करावा लागतोय या पाण्यामुळे दुर्गंध यामुळे होणारे डास यातून उद्भवणारा आजार या सगळ्यामुळे होणारा त्रास येथील नागरिकांना सहन करावा लागतोय तर या समस्येवर लवकरात लवकर तोडगा काढावा येथील नागरिकांची मागणी आहे या पे एक तो कोई विकास हो रहा है और नालियों की समस्या है गटर लाइन है नहीं रोड भी सही नहीं है यहाँ के और यहाँ के जो नेता है चुन के आने के बाद में कोई वो काम नहीं कर रहे ध्यान नहीं दे रहे हैं सही नगर के ऊपर में बाकी सब वार्डों में काम हुआ है और यहाँ की जो रोडे है जिला परिषद के माध्यम से बनी बनी है और रामधरे मैडम थी यहाँ पे जब तक के काम बहुत अच्छा हुआ है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर है यहाँ कोई वर्क करना नहीं चाहते और यहाँ ध्यान नहीं देते समस्या क्या होती है समस्या ये है कि लोगों के घरों में आज छोटे छोटे बच्चे हैं रास्तों में पानी भरा हुआ है कभी कोई गिर जाता है अभी दो तीन लोगों के हड्डी टूटी है यहाँ पे रास्ते में गिरने से नमाज को जा रहे थे रास्ते में रास्ते में ही गिर गया बूढ़ा आदमी था और आज ये एक गिरा है कल दूसरा गिरेगा हर किसी की ये समस्या है और बच्चों की सबसे ज्यादा तकलीफ है बच्चे खेल नहीं सकते हैं कुछ भी नहीं है यहाँ पे भैया ये सहीदगा वार्ड नंबर एक है यह हम लोग कम से कम बीस साल से यहाँ रह रहे हैं हम लोग लेकिन 20 साल में अभी तक यहाँ को डेवलपमेंट नहीं हुआ है आप देख रहे हैं जैसे यहाँ कितना कचरा है यहाँ ना रोड की बराबर फैसिलिटी है और ना ही तो आपका यहाँ कचरा उठता है ना झाड़ू लगती है यहाँ पर तरीके से और गंदगी इतनी है जिसका हम आपको बता नहीं सकते बयान नहीं कर सकते वो आप सब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ क्या, क्या कंडीशन क्या हालत है और पानी क्या है कि रोड वो रोड पर आ रहा है बच्चे स्कूल जा नहीं पाते हैं बच्चे जाए तो उनका जूता ख़राब होता है और आप पूरे एतराफ़ में देखिए कहीं नाली बनी है तो वो भी सिस्टम से नहीं बनी है सिर्फ पाइप ला के छोड़ दिया है और पूरा पानी ड्रेन पूरा बाहर गंदगी आ रही है रोडों पर आ रही है तो उस वजह से क्या कि यहाँ की जितने लोग हैं वो सब परेशान हो गए हैं अब करना तो करना गया कैसे करना किसको बताना अपनी तकलीफ हम लोग कल गए थे अपना ग्राम पंचायत में कल वहाँ पर ज्ञापन सौंपा हम लोगों ने लेकिन अब उसके बारे में बोल रहे हैं हम लोग कार्रवाई करेंगे अब ये चीज़ को हम लोग कम से कम दस साल से फेस कर रहे हैं करेंगे 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 लेकिन कब करेंगे अभी तक ये वक्त अभी किसी ने देखा नहीं है कम से कम यहाँ पर डेढ़ सौ दो सौ मकान है आबादी अच्छी है बट इसका जो बैक साइड इलाका है वहाँ अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है लेकिन ये हमारा एरिया ऐसा है अभी तक यहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है